दोस्तों आपने टीवी पर छोटा भीम कार्टून तो जरूर देखा होगा, जिसको शुरू हुए आज करीब 15 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है। अब इन 15 साल की जर्नी में छोटा भीम कार्टून के अंदर हमें एनिमेशन क्वालिटी से लेकर वॉइस चेंजेस जैसे कई बदलाव देखने को मिले हैं, पर एक चीज जो इसमें हमेशा सेम रही है वो है इसका शुरू से लेकर अभी तक एक कार्टून शो ही बना रहना। हालांकि अब ये भी बदलने जा रहा है, क्योंकि हाल ही में छोटा भीम बनाने वाली ग्रीन गोल्ड स्टूडियोज द्वारा ये अनाउंस किया गया है कि वो बहुत जल्द छोटा भीम के पर एक लाइव एक्शन मूवी लेके आने वाले हैं। तो आखिर क्या है इस मूवी से जुड़ा अपडेट और इस मूवी में कौन कौन से बड़े एक्टर्स होंगे, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों जब बात कार्टून्स की लाइव एक्शन अडैप्टेशंस की आती है ना, तब ग्लोबल लेवल पर भले ही ये चीज नई ना हो, लेकिन इंडिया के लिए ये बिल्कुल नई होगी, क्योंकि ऐसा पहली बार होगा जब किसी इंडियन ओरिजिनेटेड कार्टून सीरीज पर एक लाइव एक्शन मूवी बनने वाली है। वैसे तो ग्रीन गोल्ड स्टूडियोज इस मूवी को बनाने की प्लानिंग काफी पहले से ही कर रहे थे, पर कहीं ना कहीं उन्हें अपने इस न्यू आइडिया की सक्सेस पर थोड़ा डाउट तो था ही, और होता भी क्यों नहीं, इंडिया में ऐसा कुछ पहले कभी हुआ ही नहीं था, जिसके कारण उन्हें ऐसा करने के रिजल्ट्स पहले से पता नहीं है। हालांकि 12 सितंबर 2023 के दिन उस वक्त इस डाउट की संभावना हट गई जब छोटा भीम के 15 साल पूरे होने के सेलिब्रेशन के बीच इसकी अपकमिंग लाइव एक्शन मूवी का टीजर रिलीज किया गया। अब दोस्तों इस अपकमिंग मूवी का नाम छोटा भीम एंड द कर्स ऑफ दमयान रखा गया है, जिसके पोस्टर के सेंटर में अपने दोस्तों से घिरे एक छोटे लड़के को देखा जा सकता है, जो कि अपने इन्हीं दोस्तों के साथ काल्पनिक नगरी ढोलकपुर को बुराइयों से बचाने के लिए तैयार है। इसका टीजर भी शानदार है, जिसमें दिखाया गया है कि छोटा भीम समय में 1000 साल पीछे जाता है और बुराई से लड़ता है, जिसमें गुरु शंभू और उनकी टीम भीम की मदद करती है। अब देखो टीजर को देखकर इतना तो समझ आ ही रहा है कि ये मूवी एक्शन सीक्वेंस से भरी रहने वाली है, और मेरे हिसाब से बच्चों को ये एक्शन सीक्वेंस काफी पसंद भी आएगी, क्योंकि भीम अपने एक्शन की वजह से ही तो इतना ज्यादा फेमस हुआ है। साल 2008 में जब छोटा भीम की एक 2D एनिमेटेड सीरीज के रूप में शुरुआत करी गई थी ना, तब इसके मेकर्स को भी ये विश्वास नहीं था कि ये कार्टून इतनी जल्दी इतना ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा। पोगो टीवी पर चलने वाली एनिमेटेड सीरीज को 6 से 12 साल के बच्चे बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहे थे, और यही कारण था कि साल 2011 में आई इंडिया के मोस्ट फेवरेट फिक्शनल कैरेक्टर की लिस्ट में छोटा भीम टॉप पर था। मतलब इसने अकेले ही पॉपुलैरिटी के मामले में डोरेमोन जैसे इंटरनेशनल फिक्शनल कैरेक्टर को मात दे दी थी। वैसे दोस्तों ये जो छोटा भीम है ना, वो कोई अभी का आया हुआ नाम नहीं है, बल्कि इंडिया में भीम का कैरेक्टर हजारों सालों से एग्जिस्ट कर रहा है और काफी ज्यादा फेमस भी है। जी हाँ, सही समझे आप, महाभारत के काल से। पर मुझे तो लगता है कि शायद महाभारत के भीम से ही इंस्पायर होकर छोटा भीम को बनाया गया था, और इसके नाम की मिथिकल इम्पोर्टेंस की वजह से ही ये इंडिया में इतना ज्यादा पॉपुलर हो पाया था। चाहे इंडिया के बूढ़े हो, एडल्ट्स हो या फिर बच्चे ही क्यों ना हो, हर किसी ने भीम के बारे में सुन ही रखा है, जिसके पास 100 नहीं 1000 नहीं बल्कि पूरे के पूरे 10,000 हाथियों जितनी ताकत थी। इसलिए बच्चे इस एक नजरिए से भी अपकमिंग छोटा भीम मूवी को देखने जाएंगे। बात करें इस मूवी के प्लॉट स्पेकुलेशन की, तो यार टीजर को देखकर तो साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि ये मूवी साल 2012 में आए एनिमेशन फिल्म की स्टोरी पर ही बेस्ड होने वाली है, जहां दमयान को खत्म करने के लिए भीम को एक किताब खोजनी पड़ती है। भीम की मदद के लिए उसके दोस्त भी होती है, जिन्हें गुरु शंभू द्वारा मैजिकल पावर्स दी जाती है, और ये सब मिलकर दमयान के खिलाफ फाइट करते हैं। अब इससे ज्यादा स्टोरी बताकर मैं आपके मूवी के मजे को खराब नहीं करना चाहूंगा, पर इतना जरूर बोलूंगा कि ये मूवी खासतौर पर बच्चों को ही पसंद आने वाली है। अब देखो, पहले तो इस मूवी की सक्सेस को लेकर मेकर्स की तरह मेरे मन में भी डाउट था, पर कुछ सालों पहले आई जंगल बुक की सक्सेस को देखकर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मूवी इंडियन किड्स की फेवरेट मूवी बनेगी, जिसे देखने बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ जाएंगे ही जाएंगे। अब अगर बात करें इस मूवी की कास्टिंग की, तो यार इसमें भीम का रोल यज्ञ भासिन नाम का एक चाइल्ड आर्टिस्ट निभा रहा है, साथ ही साथ इसमें अनुपम खेर और मकरंद देशपांडे जैसे दो बड़े बड़े एक्टर्स भी दिखाई देंगे। अनुपम खेर गुरु शंभू का कैरेक्टर प्ले करते हैं और मकरंद देशपांडे को स्कंधी का रोल दिया गया है, जो कहीं ना कहीं मेकर्स द्वारा इस मूवी को एक्टिंग के लिहाज से परफेक्ट बनाने की कोशिश है। अब दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूं कि साल 2012 में आई एनिमेटेड फिल्म छोटा भीम द कर्स ऑफ दमयान को राजीव चिलाका द्वारा बनाया गया था, और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस लाइव एक्शन अडैप्टेशन को भी राजीव चिलाका जी ही डायरेक्ट कर रहे हैं। इसकी कास्टिंग मुकेश छाबरा द्वारा की गई है, जिसमें विजुअल इफेक्ट्स का काम जुनैद उल्ला संभाल रहे हैं, साथ ही साथ इसका जो पल्सेटिंग म्यूजिक है ना, वो राघव सच्चार द्वारा दिया गया है। और दोस्तों
रिपोर्ट्स की माने तो ये मूवी बहुत हद तक अगले साल यानी कि साल 2024 के मई मंथ में रिलीज हो जाएगी। वैसे क्या आपने भी अपने बचपन में छोटा भीम के कार्टून्स को देखा है और आप भी छोटा भीम का फैन हो? अगर हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।